हाय दोस्तों, यू आर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। अजय देवगन स्टारर कैथी से लेकर शाहिद कपूर की जर्सी तक साउथ इंडियन की पांच वो बड़ी फिल्में जिनकी रीमेक हिंदी में बनने जा रही है। कोरोना वायरस के चलते सभी थिएटर्स बंद होने के कारण कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड में बड़ी फिल्में रिलीज नहीं होगी। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स थिएटर फिर से ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तुरंत अपनी बनी हुई फिल्में थिएटर में रिलीज कर सके। पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन की रीमेक फिल्मों ने बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाहिद कपूर की पिछली फिल्म कबीर सिंह, जिसने बॉक्स ऑफिस में आग ही लगा दी थी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद कई सारे साउथ के प्रोजेक्ट्स अब बॉलीवुड में रीमेक बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में उन्हीं पांच बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो शायद से बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस में आग लगा सकती है। लिस्ट में सबसे पहला आता है अजय देवगन की कैथी की रीमेक। इस साल की शुरुआत में अजय देवगन ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वे साउथ की फिल्म कैथी की रीमेक में काम करने जा रहे हैं। कैथी एक साउथ की तमिल फिल्म है जो साउथ में एक बड़ी हिट साबित हुई थी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रीमेक अगले साल यानी 2021 को फरवरी 12 को रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। इस तमिल फिल्म की कहानी है एक कैदी की जो जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी से मिलने का प्लान बनाता है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और सलमान खान को भी अप्रोच किया गया था, पर अजय देवगन की इस अनाउंसमेंट ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। लिस्ट में दूसरी फिल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा की तड़म की रीमेक। सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे डबल रोल में तमिल फिल्म तड़म की रीमेक में, जिसे डायरेक्ट करेंगे डेब्यूटेंट डायरेक्टर वर्धन केतकर। ये पहली बार होगा जब सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डबल रोल वाले किरदार में नजर आएंगे, जिसमें एक किरदार उनका बिजनेसमैन वाला होगा और दूसरा किरदार छोटा मोटा चोर वाला। इस साउथ की फिल्म ने साउथ में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर फिल्म की कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को, फिल्म का अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स लोगों को काफी पसंद आया था। तंडम की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म तंडम से बॉलीवुड में अपना एक अच्छा कमबैक कर पाते हैं या नहीं, और क्या ये फिल्म साउथ की तरह ही बॉलीवुड में भी एक हिट साबित होती है या नहीं। लिस्ट में तीसरी फिल्म है शाहिद कपूर की जर्सी। कबीर सिंह की अपार सफलता के बाद शाहिद कपूर फिर से एक बार और एक रीमेक में नजर आएंगे जो होगी तेलुगु फिल्म जर्सी की रीमेक। शाहिद कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी चंडीगढ़ में शुरू कर ली है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए लॉकडाउन होने से पहले वे चंडीगढ़ में थे। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगे जो रिटायरमेंट के बाद फिर से एक बार क्रिकेट में कमबैक करता है। ये फिल्म काफी इमोशन से भरी हुई है जिसके लिए शाहिद कपूर माने जाते हैं, और जो एक बड़ा रीजन है शाहिद कपूर को ये रोल एक्सेप्ट करने का। इस फिल्म को गौतम तिन्नौरी डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने ओरिजिनल तेलुगु फिल्म जर्सी डायरेक्ट की थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या जर्सी जो साउथ में एक बड़ी हिट साबित हुई थी, क्या उसी तरह बॉलीवुड में भी एक बड़ी हिट साबित हो पाती है या नहीं, और क्या फिर से एक बार शाहिद कपूर कबीर सिंह जैसे एक बेहद ही सक्सेसफुल फिल्म दे पाते हैं या नहीं। इस लिस्ट में चौथी फिल्म है आहान शेट्टी की RX 100 की रीमेक। सुनील शेट्टी के सुपुत्र आहान शेट्टी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म RX 100 की रीमेक फिल्म तड़प से। इस एक्शन पैक ड्रामा रोमांटिक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मिलन लोथारिया, और इसमें आहान शेट्टी की को स्टार होगी तारा सुतारिया जो फिल्म में आहान का लव इंटरेस्ट रहेगी। इस फिल्म के मेकर्स ने ये कहा है कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस को सूट करने के लिए अडेप्ट किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर मिलिन लोथारिया का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी अनएक्सपेक्टेड कहानी और यूनिक कहानी है, और उनका मानना है कि ये फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल लॉन्च फिल्म तड़प से कर पाते हैं या नहीं। इसके लिए हमें इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना होगा। लिस्ट में पांचवी और आखिरी फिल्म है करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली डियर कॉमरेड की रीमेक। पिछले साल करण जौहर ने यह अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने साउथ की तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड की राइट्स खरीद लिए हैं। इस तेलुगु रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म में तेलुगु के सुपरस्टार विजय देवरगोंडा ने लीड किरदार निभाया था। साउथ में डियर कॉमरेड एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। कहा जा रहा था कि इस फिल्म की रीमेक में जानवी कपूर और ईशान खट्टर लीड किरदारों में हो सकते हैं, पर इस बात की पुष्टि अब तक करण जौहर ने नहीं की है। हाल ही के समय में उन्होंने ये तक कहा कि वे इस फिल्म की रीमेक नहीं करने वाले हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या करण जौहर सच कह रहे हैं या झूठ। इस बात की सच्चाई जानने के लिए
हमें इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थी वो पांच बड़ी साउथ इंडियन फिल्में जो हिंदी में रीमेक बनने जा रही है। आप इन पांच फिल्मों में से किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपका इन पांच फिल्मों के स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना है? आपके सुझाव और विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।